नारद और युधिष्ठिर संवाद को लेकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की, उन समस्त शंकाओं का निराकरण कर दिया जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि भगवान असुरों के साथ और ढंग का बर्ताव करते हैं, देवताओं के साथ और ढंग का बर्ताव करते हैं, ये क्या कारण है। देखो भागवत के ज्यादा स्कंद हैं वो प्रश्न से प्रारंभ होते हैं, प्रश्नों से ज्यादा स्कंद प्रारंभ होते हैं, बहुत कम ऐसे स्कंद हैं जो प्रश्न से प्रारंभ नहीं होते। प्रश्न उत्तर करना हमारी साधना का, श्रवण साधना का मुख्य स्वरूप होता है। जब तक जिज्ञासु प्रश्न के द्वारा अपने हृदय को खोलता नहीं है, हृदय के कपाट बंद रखता है, तब तक सत्पुरुषों का वचन उसमें कैसे प्रवेश करेगा। हमारे शास्त्रों में खुली छूट दी है, प्रश्न कीजिए पर अति प्रश्न मत कीजिए। अति प्रश्न माने निरर्थक प्रश्न, समाधान हो गया लेकिन फिर भी प्रश्न करने के लिए प्रश्न, ऐसा अति प्रश्न नहीं करना चाहिए। और प्रसंगों पर प्रश्न करना चाहिए, जब एक प्रसंग पूरा हो जाए तब उसके बाद दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रत्येक मन्वंतर में भगवान का अवतार होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर हो जाते हैं। मन्वंतर शब्द से घबराना नहीं, एक मनु का जो शासन होता है उसको मन्वंतर बोलते हैं। उस शासन में जो धर्म का स्वरूप देखने में आता है वो मन्वंतर कहलाता है, मनु अंतर मन्वंतर। तो उस प्रत्येक मनु में भगवान का अवतार होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए पूछा कि क्या क्या, देखो ये जो 24 अवतार होते हैं उन अवतारों में भी कई ऐसे अवतार हैं जिनकी गणना होती है मन्वंतरों में, और कई ऐसे हैं कि जिनका मन्वंतरों में परिगणन नहीं होता, वो मन्वंतरों से बाहर अवतार है, वहां भगवत इच्छा होती है। इसमें भी भगवत इच्छा है परंतु विशेष करके सद्धर्म के लिए भगवान अवतार लेते हैं मन्वंतरों में, ये बताया जाता है। तो पहले ही पहले जो स्वयंभू मनु हुए थे, जो ब्रह्मा जी के शरीर से एक मनु बना, एक शत्रुपा बनी, जिनसे प्रियव्रत और उत्तानपाद दो लड़का और आकुति देवहूति प्रसूति तीन लड़कियां बनी, ये पहला मन्वंतर है। इस मन्वंतर में भगवान ने कब अवतार लिया, एक तो यज्ञ रूप से अवतार लिया था, और यज्ञ रूप से अवतार लेकर के भगवान ने सद्धर्म की रक्षा करते हुए तपस्या की रक्षा की। वो प्रसंग सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने देखा कि अब हमारे पुत्र शासन संभालने योग्य हो गए, तो उनको अपना शासन सूत्र सुपुर्द कर दिया और स्वयं मन में तपस्या करने चले गए। कितनी अच्छी पद्धति है, हमारे जीवन में शतायु वर्षों की 4 कल्पना की गई है, एक तो ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ और एक सन्यास। 25-25 वर्ष एक एक को दिया गया है। जब समय आए तो मनुष्य को उपराम होना चाहिए, चारों आश्रमों में मलई मत जाए लेकिन उपरामता आनी चाहिए।
50 वर्ष के बाद उपरांता आनी चाहिए। सेठ जी ने भी यही लिखा कि जब स्त्री 40 वर्ष की हो जाए और पुरुष 50 वर्ष का हो जाए तब अपने भगवान के भजन में लगो और अपना काम धंधा अपने बाल बच्चों को सुपुर्द कर दो, स्वयं भगवान का भजन करो अवस्था के अनुसार और बच्चों की उम्र के अनुसार। अभी लड़के भी कमाते हैं और पिता भी कमाता है, दोनों ही अर्थोपार्जन में लगे रहते हैं, उस समय में पिता का जो पितृपद है वो उसका हल्का हो जाता है, क्योंकि जो काम लड़का करे वो काम अब पिता को नहीं करना चाहिए, पिता को उससे ऊंचा करना चाहिए, क्योंकि पिता है वो पुत्र के पद से ऊंचे पद पर है। इसलिए अपने संतानों को भी भगवान में लगाने के लिए स्वयं 50 वर्ष की उम्र आ गई, अब अपना भगवत भजन में विशेष रूप से मन लगाना चाहिए। और जब अपना पुत्र भी 50 वर्ष का हो जाए तो उसके पौत्र को इसमें लगाना चाहिए, घर का वातावरण ही कुछ और हो जाएगा। ये सब करके बताया हमारे पूर्वजों ने, तो मनु और शत्रुपा राजपाट छोड़ करके वन में चले गए और वहां जाकर भी तपस्या करने लगे तो उनकी तपस्या में बाधा देने के लिए बहुत से असुर आए। अब वो एकदम भगवत भाव में डूबे हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके संकल्प के द्वारा संसार पैदा होता है, आपके संकल्प से आप में लीन हो जाता है, परंतु संसार इस बात को जानता नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, यम न पश्यति पश्यन्तम् चक्षुर्यस्य न रिष्यति, किन्हीं नेत्रों से या इंद्रियों से आपका ज्ञान नहीं होता है, ये सब अपूर्ण ज्ञान है। जिन इंद्रियों की तृप्ति में हम लगते हैं ये इंद्रियां अपूर्ण ज्ञान करती है सज्जनों, इसलिए इंद्रियों के ज्ञान के ऊपर विश्वास मत करो। देखो दूध का रंग सफेद है, केवल सफेद है ये बताता है नेत्र, लेकिन बाकी दूध खट्टा है कि मीठा है कि बासी है कि क्या है, ये ज्ञान ग्राह्य है कि अग्राह्य है, ये ज्ञान नेत्र नहीं करता। सूंघने पर पता चलता है कि दूध में गंध कैसी है, तो केवल गंध का ज्ञान नासिका कराती है और सफेदी का रंग का ज्ञान नेत्र कराता है। वो मीठा है कि खट्टा है कि फीका है कि ये ज्ञान जीभ कराती है। और दूध को लेकर ऊपर नीचे करते हैं, पात्रों में डालते हैं तो एक शब्द होता है, उस शब्द का ज्ञान ये कान कराता है, पर एक इंद्रिय से पूरे पदार्थ का भी ज्ञान नहीं होता, इतना अधूरा ज्ञान इंद्रियों में भरा पड़ा है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम इंद्रियातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? कितनी बढ़िया प्रार्थना कर रहे थे, इतने में ही राक्षसों ने आया और राक्षस लोग आए और विचार किया कि मनु और शत्रुपा को खा जाए। असुरा याद धाना जगदुम अभ्यद्रवन क्षुधा, लेकिन भगवान सबके रक्षक जो विशेष रूप से भगवान की आराधना करते हैं उनके लिए तो भगवान विशेष ध्यान देते हैं। भगवान वहां यज्ञ रूप से आए और सब असुरों को मार गया, ये पहला काम किया। और दूसरा, हम तुमको ये बता के आए हैं कि देवभूति के यहां भगवान ने कपिल रूप से अवतार लिया ही था, ये भी उसी मन्वंतर की बात है। दूसरे मन्वंतर में भगवान ने विभू होकर के विभू रूप से अवतार लेकर के 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। तीसरे मन्वंतर में भगवान ने सत्यसेन रूप से अवतार लेकर यक्ष राक्षसों का संहार किया। और चौथे मन्वंतर में भगवान ने हरिमेधा के यहां जन्म लेकर हरि रूप से अवतार लिया, उनका नाम हरि पड़ा चौथे मन्वंतर में। और इतने दयालु भगवान सारे मनुष्यों को ये शिक्षा देने के लिए
कि यदि कोई मेरी आराधना पशु भी करता है तो मैं उस पशु की भी बात सुनता हूँ। हे मनुष्यों, तुम्हारे साथ तो मेरा वैसे ही बहुत पक्षपात है, तुम यदि जरा सी मेरे साथ में आर्थ भाव से प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना तो उनसे भी पहले सुनने के लिए तैयार हूँ। ये अपनी करुणा वत्सलता बताने के लिए भगवान ने गजेंद्र की मुक्ति की। राजा बड़े खुश हो गए, कहने लगे महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाओ। देखो कथाओं की महिमा तो सुखदेव जी बोलते हैं कि इस कथा के सुनने से ये होता है, इस कथा के सुनने से ये लाभ होता है, परंतु कभी कभी परीक्षित भी बोलते हैं कि महाराज ये कथा तो बड़ी पुण्यवती है, बड़ी अच्छी कथा है, स्वस्त्यनम, इससे सबका कल्याण होता है, ये कथा हमको सुनाओ। सूत जी कहते हैं बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज और कहने लगे कि देखो क्षीर सागर में एक पर्वत, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट। देखो त्रिकूट नाम के कई पर्वत मिलते हैं, कोई यह न समझे कि त्रिकूट पर्वत पर तो लंका रहती है, लंका कोई क्षीर सागर में थोड़े ही थी, वो तो क्षार समुद्र के अंदर थी, परंतु त्रिकूट नाम के कई पर्वत हैं। तो क्षीर सागर का जो त्रिकूट पर्वत था, उस पर्वत के अंदर देवताओं के बड़े बड़े बगीचे थे और वहां पर बड़े विलक्षण विलक्षण सिंह पशु जानवर रहा करते थे। गर्मियों का दिन था, एक बार ये गजेंद्र बहुत से हाथी हथनियों को लेकर के जंगल में घूमता घूमता जब वो गर्मी से बहुत आकुल व्याकुल हो गया, प्यास लगी तो कोई जलाशय नहीं मिला, तो वरुण देवता का वहां एक बगीचा, उसमें चला गया। बड़ा अच्छा ठंडा शीतल मधुर जल था। अपने परिवार के साथ गया, खूब आराम से जल पिया। देखो ये कथा तो है गजेंद्र की, लेकिन इससे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज प्रत्येक कथानक में कुछ ऐसा शब्द दे देते हैं जो एक चाबुक का सा काम करता है। लोग देखते हैं भगवान ने तो गजेंद्र की भगवान की कथा है, हमारा क्या लेना देना। यदि हमसे असंबद्ध कथा होती तो सज्जनों सुखदेव जी महाराज कभी नहीं कहते मनुष्यों के बीच में, फिर तो हाथियों के बीच में बोलते, सिंहों के बीच में बोलते, पशुओं के बीच में बोलते। मनुष्यों के बीच में पशुओं की कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर इन कथाओं को द्वारा शिक्षा लेने की क्षमता होती है। तो तालाब के किनारे गया, आराम से तालाब में जल पिया, ठंडा ठंडा जल था, डुबकी भी लगाई और अपनी सूंड से पूरे परिवार को जल पिला दिया और सब जल से बाहर निकल आए। उसको भी बाहर निकल आना था, लेकिन अब सुखदेव जी महाराज एक शब्द देते हैं कि निपाय यथंस्नपयन यथा गृही। जैसे गृहस्थ व्यक्ति घर से भोजन कर लिया, रोटी उसको मिल गई, जल मिल गया, कपड़ा मिल गया, जीवन का निर्वाह होता है स्वाभाविक, फिर भी वो गृहस्थ में एक अलग ढंग से मोह रखता है, व्यर्थ का मोह रखता है। ऐसे ही उस तालाब के अंदर उसने व्यर्थ का मोह किया, अब उसको यहाँ जल मिल गया, स्नान हो गया, उसकी पिपासा दूर हो गई, उसका सारा शरीर था वो जो है शीतल हो गया, सब कुछ हो गया, अब इसका वहां क्या काम। लेकिन जैसे गृहस्थी सब कुछ मिल जाने के बाद भी एक उसमें मोह रखता है, आसक्ति रखता है, उसी प्रकार वो जल के अंदर की और इसमें से कुछ सुख ले ले, और सुख ले ले, और क्या सुख मिलेगा। संसार के सुखों ने पहले ही साक्षात्कार में अपना परिचय दे दिया। संसार के जितने सुख हैं उनको हम जो ही भोगते हैं पहली बार, वैसा का वैसा स्वरूप अंतिम बार तक होता है।
ऐसा नहीं है कि पहली बार में और होता है, बाद में और होता है, बाद में और होता है। इतने लंबे समय से हम भोजन करते हैं, तृप्ति एक जैसी होती है। इतने लंबे समय से हम जल पीते हैं तो ये शांति, तृषा शांति, तृषा की निवृत्ति, प्यास की निवृत्ति एक जैसी होती है, चाहे 10 वर्ष पहले थी, चाहे 50 वर्ष पहले थी, और चाहे 10 वर्ष आगे भी होगी, तो ऐसी होगी एक जैसी। तो संसार तो अपना परिचय पहले ही दे देता है, फिर भी उसमें व्यक्ति न जाने कहां और सुख ढूंढने की इच्छा करता है। उसी प्रकार हाथी उस पानी के अंदर चलता गया चलता गया। इतने में ही कोई भगवत प्रेरणा थी, एक मगरमच्छ आया, पैर उसका पकड़ लिया और पानी के अंदर जो है वो बलात खींचने लगा। हाथी भी बलवान, उसने भी अपना जोर लगाया और वो पानी के बाहर उसको ले आया। पानी के बाहर तो हाथी का बल ज्यादा चलता है, पानी के अंदर मगरमच्छ का बल ज्यादा चलता है। फिर मगरमच्छ ने पूरी ताकत लगा करके हाथी को फिर पानी में ले आया और हाथी मगरमच्छ को बाहर ले आया। इसमें 1000 बरस बीत गए, 1000 बरस तक ऐसे चलता रहा। अंत में बेचारा हाथी हार गया, हाथी हार गया और वो डूबने लगा। उससे पहले जोर जोर से पुकारता है कि भाई मेरे परिवार वालों आओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब कैसे बचाए, ये सब हाथी मिलके कैसे बचाए, क्या सब पानी में कूद जाए? पानी में कूदने से तो वो नहीं बचेगा, इसको छोड़ देगा तो दूसरे को पकड़ लेगा। लेकिन अभी तो इससे ही छुटकारा कैसे हो, तो सब ने एक कतार बांध ली। कतार एक हाथी के बाद एक हाथी ऐसे कतार से सब, प्रत्येक ने एक एक का पैर, पीछे के पैर को अपनी सूंड से कर लिया, बांध लिया। जैसे गाड़ी से गाड़ी बांध दिया करते हैं कई बार खराब गाड़ी को, ऐसे उसको बांध लिया। एक एक करके ताकत लगाई, पर वो सामान्य मगरमच्छ नहीं था। इतने हाथियों ने एक साथ मिलकर के ताकत लगाई, तब भी वे सब उस हाथी को बाहर नहीं निकाल सके। अब हाथी सबसे निराश हो गया। देखो शरणागति के अंदर ये बहुत बड़ी साधना है, सबसे निराश होना। जब वो सबसे निराश हो गया तब हाथी ने कहा, हे प्रभु आप निर्गुण है कि सगुण है, कि साकार है कि निराकार है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि संसार के आप नियामक हैं, इस संसार को कोई न कोई संचालित करता है। सूर्य समय पर उदित होता है, चंद्रमा समय पर अस्त होता है, तारे समय पर उदित होते हैं, वर्षा समय पर आती है, गर्मी समय पर आती पड़ती है, सर्दी समय पर आती है, जीव भी यहाँ समय पर जन्म लेता है, उसके बाद जीव चला जाता है। सब कुछ एक व्यवस्था के अंतर्गत है, इस व्यवस्था को कौन संभालता है? कोई न कोई ज्ञानवान होना चाहिए, जिसके ज्ञान में सब व्यवस्था चलती है, वो जगत का ईश्वर, जगत का स्वामी आप। अब आप निर्गुण सगुण साकार निराकार, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे किसी का भी भरोसा नहीं रहा। नमामि मे ज्ञातये आतुरं गजा, मेरी सब हाथी मिलकर के भी रक्षा नहीं कर पाते। अब आप जो भी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं और बड़ा भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। परीक्षित, ये हाथी कोई मामूली हाथी नहीं था। पिछले जन्म में उसने भगवान की आराधना की थी, उस आराधना के बल पर उसने बड़े विस्तार से भगवान की स्तुति गाई। क्या विलक्षण बात बोलता है, ये स्वात्मनिदम निजमाय अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम। आपने अपनी माया से कहीं संसार को प्रकट किया है, कभी आप इसको लीन कर देते हैं, कभी कहां प्रकट हो जाते हैं, कभी कहां इस संसार को प्रकट कर देते हैं,
और स्वयं वैसे ही छिप जाते हैं जैसे गुणारण छिन्न चिदूष्म पाए, जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी रहती है। लाख कोशिश कर लो आग से आप लकड़ी में आग को नहीं देख सकते। चाहे लकड़ी को कूट कूट करके कचरा कर लो, चाहे करोती से उसको बाट लो, चाहे बसोले से उसको कुरेच लो, आग नहीं मिलेगी। लेकिन आग है ये बात सब जानते हैं। ऐसे संसार में आप छिपे हुए हैं, लेकिन उनका ज्ञान भक्ति से होता है, ज्ञान से होता है, प्रेम से होता है। ऐसे ज्ञान, ऐसे आपका ज्ञान नहीं होता। लकड़ी के अंदर आग का ज्ञान काष्ठ मंथन से होता है। ऐसे ही महापुरुषों ने अपने मन का मंथन किया है, खूब विचार मंथन किया है, तब जाकर भी आपको प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, आप जो है सबका निषेध करने के बाद शेष रहते हैं। जब सारी दुनिया नहीं रहती तब आप रहते हैं, इसलिए आपका नाम शेष है। और सब कुछ आप हैं, इसलिए आप अशेष हैं। देखा ना, आप ही शेष हो और आप ही अशेष हो। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके बिना प्रकट हो गया हो। अशेष आप है, समस्त आप है। और जब सब नहीं रहता है तब शेष में आप ही रहते हो, तो इसकी शेष भी आप हो। मैं यहां अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करता, ये देखिए ये खास बात कि मेरे प्राण बचाओ, ये तो एक दिन प्राण निकल जाएंगे। आप अभी मेरे प्राण बचा दोगे तो प्राण तो फिर कभी निकलेंगे। मैं कहता हूं मेरे हृदय में जो अज्ञान भरा पड़ा है उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूं। बस इसी प्रार्थना हुई, भगवान इतने आतुर हुए, अपने स्थान से उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर आए और गरुड़ से भी कहा कि जितना जल्दी हो चले। गरुड़ ने कहा महाराज मैं मन के वेग से भी तेज उड़ रहा हूं। कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। सजनों, भगवान उस हाथी को देखकर गरुड़ को भी छोड़ दिए और पानी में कूद पड़े और उसके सूंड को पकड़ करके भगवान बाहर ले आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मकर का वध कर दिया। भगवत स्पर्श से दोनों ही बड़े दिव्य हो गए। दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनाई भगवान ने कि देखो ये तो राजा था, दोनों को अलग अलग ढंग से श्राप मिला था। एक तो भूहु नाम का गंधर्व था जिसने देवल ऋषि का जल में पैर पकड़ लिया। मजाक करता हूं, अरे मजाक करो तो बराबर वालों के साथ करो, मजाक भी करो तो शिष्ट मजाक करो, अशिष्ट मजाक करते हो तुम। हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं और तू पानी के अंदर आकर हमारे पैर खींचता है, तो देवल ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ। मगरमच्छ होने का श्राप दे दिया। वो रोने लगा कि महाराज मुझे पानी का जंतु बना दिया, वो तो तमोगुणी होते हैं। बहुत रोया बिगड़ा, तो संतु तो दयालु होते ही। बताया था ना संतों का क्रोध कैसा होता है, आकाश में लकीर के समान होता है। ये लकीर है, अब दिखती थोड़ा ही, यूं कर दिया बस। ये जो ही अंगुली गई लकीर नहीं दिखती, अंगुली दिखती है। ऐसे ही संत तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। अच्छा अच्छा जाओ, तुम्हारा भगवान के सुदर्शन चक्र के स्पर्श से कल्याण हो जाएगा। इधर ये हाथी था, ये पांड्य देश का राजा था, इसका नाम था इंद्रद्युम्न। ये तपस्या करने गया, वहां एक अगस्त ऋषि आए अपने शिष्य मंडली के साथ, ये बैठा रहा खड़ा नहीं हुआ। तो श्राप दिया कि अरे मूर्ख, अपने से बड़े लोग आए तो अभ्युत्थान करना चाहिए, खड़ा होकर सम्मान करना चाहिए। खड़े होकर सम्मान करने से चार चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम। परंतु कब, जब हम कहीं यूं चैन से बैठे हुए हो, तब कथा में बैठे रहते हो ना, तब बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। अब बीच में कथा में बैठे हैं और कोई आए, विशिष्ट पूजनीय व्यक्ति आए,
तो हृदय से उनको नमस्कार कर सकते हो, खड़ा नहीं होना चाहिए, कथा में बाधा पड़ती है। कभी कभी कई कई विधान है वो समय के अनुसार किए जाते हैं। उन्हीं कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, उन्हीं कपड़े रखने चाहिए, पर कब पहनना है? सर्दी में। और ठंडे कपड़े हैं वो गर्मी में पहनने लायक होते हैं। पंखा एयर कंडीशन गर्मियों में लगाने का होता है। अब कहते बड़ा अच्छा है साहब एयर कंडीशन सर्दी में लगाओ। अरे भैया आ गई बहुत सर्दी लग रही है। अस्तु, तो उन्होंने साप दिया कि तुमने अभ्युत्थान नहीं किया, ये बैठे थे तुम, खड़ा होना चाहिए था। तो कहा महाराज इतना बड़ा साप कि आप मुझे हाथी की योनि में भेज रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है कि मैंने आप जैसे संतों का दर्शन किया, संतों के दर्शन से तो सब पातक झड़ जाया करते हैं, मेरे कोई अपराध भी हो गए तो भी महाराज आप तो संत है ना, सूर्य के पास अंधेरा नहीं रहता, ऐसे ही संत के दर्शन से सब पाप झड़ जाया करते हैं प्रभु। प्रसन्न हो गए, कहने लगे तुम्हारा भगवत अंग से स्पर्श होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को एक दोनों संतों का एक शाप भी मिला हुआ था और आशीर्वाद भी मिला हुआ था। तो भगवान देवताओं को और सबको सुनाते हुए कहे कि सुनो भाई, इस समय में मैं जितना प्रसन्न हुआ हूँ इतना प्रसन्न मैं और जगह नहीं हुआ, बहुत प्रसन्न हुए भगवान। देखो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा इस कथा के सुनने का ये महिमा है, ये महिमा है, ये महिमा है। कहते कहते यहां तक कह गए कि जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना हुआ है उस व्यक्ति के मृत्यु अवस्था में मैं स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्मृति प्रदान करता हूं। माने हमको याद करना ही नहीं पड़ेगा, हमको याद ही नहीं करना पड़ेगा कि भगवान मौत के समय याद आए। ये तो भगवान का आश्वासन है, पर हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम इस छूट का लाभ लें। हम इस छूट का लाभ लें ये हमारा कर्तव्य नहीं है। अब कोई बहुत बड़ा धनी आदमी आए और कह साहब हम जितने भी यहाँ सत्संगी लोग हैं हम इन सबको बड़े अच्छे 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 वस्त्र देना चाहते हैं, तो उसकी तो भावना बड़ी उदार है, परंतु उसकी छूट का लाभ हर आदमी नहीं लेना चाहेगा कि भाई हम स्वयं हमारे हिसाब से खरीद सकते हैं सामान, हम ऐसा सामान क्यों लें। ऐसे ही जो भगवान की दी हुई छूट का लाभ नहीं लेता भगवान खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम चाहे याद करो चाहे नहीं करो मैं तुमको याद दे लूंगा। महाराज मुझे याद देने की क्षमता दो ना, आप हमको क्षमता दो, ये बात ठीक है, तो मैं उसको याद देने की क्षमता प्रदान करता हूं, क्योंकि इस कथा को सुनने वाला मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तेषां प्राणात्ययेचाहं ददामि विमलां मतिम्। इसलिए सुबह पहले उठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। भागवत 8वां स्कंद 3रा अध्याय, ये भगवान की कही हुई बात है। ये माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्धि निशात्यये तेषां प्राणात्ये चाहं ददामि विमलां मतिम्। इतने प्रसन्न हुए भगवान, शंख बजा के चले गए। सुखदेव जी भी अभी तक वो गजेंद्र की कथा उनके सिर पर चढ़ी हुई है, अगला अध्याय कहना चालू करते हैं, फिर भी कहते हैं राजन क्या बताए, गजेंद्र मोक्ष तो बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है तो बहुत छोटा सा, परंतु ये बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। ये चौथे मनवंतर की कथा है। पांचवें मनवंतर में भगवान ने रमा प्रार्थित वैकुंठ का निर्माण किया। रमा प्रार्थित वैकुंठ का निर्माण किया। देखो वैकुंठ दो प्रकार का है, एक वैकुंठ प्रारंभ में पहले से ही स्वतः सिद्ध भगवत कृत है, दूसरा वो है निराकार, वो वैकुंठ निराकार है।
और एक वैकुंठ होता है वो साकार और लोकों की तरह लोक है दिव्य, साकार होते हुए भी दिव्य है। वो रमया प्रार्थ्य माने, लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी तुम वैकुंठ अलग से क्यों बनाना चाहते हो कि महाराज मैं उन भक्तों की सेवा करना चाहती हूँ जो भूखे प्यासे और सर्दी गर्मी सहन करके आपकी खूब भक्ति की, जो हरदम रोते रहे एकांत में रहकर आपसे खूब प्रेम किया, मैं उनकी सेवा मानव शरीर में तो कर नहीं सकी, अब मैं उनको, वो आपके बच्चे हैं तो वो हमारे भी बच्चे हैं, तो बच्चों को ऐसे रोते भी लगते भूखे हम देख नहीं सकते, उनकी सेवा करना चाहते हैं इसलिए वैकुंठ बनाओ। भगवान ने बहुत मना किया कि भाई देखो तुम यदि ऐसे वैकुंठ बनाओगी सेवा शुश्रूषा करोगी तो आफत हो जाएगी, यहाँ जाने कितनी कितनी लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो होने दो महाराज कुछ भी हो, माँ तो बच्चे के पालन में कष्ट सहन करने का सामर्थ्य रखती है तभी उस माँ का दर्जा ऊंचा माना गया है। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, भक्त लोग बहुत कष्ट तो पाते हैं, कष्ट पाए बिना मेरी भक्ति नहीं मिलती, पर उस कष्ट के बदले उनकी सेवा भी तो होनी चाहिए, तो भगवान वैकुंठ की स्थापना की। रमया प्रार्थ्य माने देव्या तत्प्रिय काम्य, तत्प्रिय माने भक्तों का प्रिय करने की इच्छा से। छठे मन्वंतर में समुद्र का मंथन हुआ, भगवान ने अजित रूप से अवतार लिया। राजा ने कहा महाराज समुद्र मंथन की कथा सुनाओ, देवताओं ने अमृत पिया सुना तो है लेकिन अमृत पीने के बाद क्या हुआ ये हमको विस्तार से सुनाओ। जोर किस बात पर है परीक्षित का, अमृत मंथन की कथा पर इतना जोर नहीं है, अमृत मंथन के बाद क्या हुआ उस कथा पर परीक्षित का विशेष जोर है। किम अन्यत अभवत ततः है, लोग देखते अमृत पी लिया ये कोई कम बात है क्या, लेकिन गूढ़ तत्वान तत्वान्वेषी है ये, लीला का रहस्य जानना चाहते हैं परीक्षित, इसलिए कहा किंच अन्यत अभवत ततः एतत् भगवत कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। एक अद्भुत लीला और हुई है महाराज वो सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं क्या भगवान सुखदेव के मुख के ऊपर ऐसी प्रसन्नता की छवि छाई, वो मैं तो छवि को देखकर अभी भी याद करता हूँ, ऐसे ऐसे लीलाओं के प्रश्न से सुखदेव जी बहुत आनंदित थे और कहने लगे कि देखो एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करके लौट रहे थे तो इंद्र को देखा। दुर्वासा ने कहा ए इंद्र जानते हो कि नहीं मैं विष्णु द्वारा पूजित हूँ, विष्णु ने मेरा पूजन किया है, देखिए मेरे पास कितनी सुंदर विष्णु की दी हुई माला है, लो ये मैं तुमको प्रसाद में देता हूँ। वो प्रसाद में माला उतार करके देने लगा तो इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के सूंड के अंदर डाल दी, लो सूंड में डाल, क्योंकि इंद्र तो त्रिलोकाधीश था ना, उसका मद था, उसको चाहिए था कि भगवत प्रदत्त और एक संत प्रदत्त माला है इसको मैं आदर के साथ स्वीकार करूं, पर ले तो लिया और हाथी की सूंड में डाल, सूंड पर डाले पर हाथी ने भी सूंड को ले पैरों के नीचे डाल के उसको मसल दिया, वहीं दुर्वासा देख रहे, दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राज लक्ष्मी से च्युत हो जाओगे। अब देवता लोग घबराए, राज्य उनका छीन लिया गया, असुरों ने देखा कि संत का श्राप लग गया, अरे संत का आशीर्वाद ये बहुत बड़ी शक्ति है जीव के पास, भगवान की कृपा संत की कृपा, उनमें संत होते हैं ये माँ के समान होते हैं, जिस बालक पर माँ की कृपा है और पिता की कृपा कम भी है तो कोई डरने की बात नहीं है,
लेकिन पिता की कृपा है और माँ की कृपा नहीं है तो पूर्णता नहीं मिलेगी। ऐसे ही जीवन में भगवान की कृपा तो प्रत्येक जीव पर है, पर संत की कृपा चाहिए। संत की कृपा, संत की कृपा यदि खूब है तो भगवान की कृपा भले ही कम हो कोई परवाह की बात नहीं। तो दुर्वासा की कृपा जब देवताओं पर नहीं रही तो असुरों को ये एक छिद्र मिल गया और उन्होंने जाकर असुरों देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता लोग सब के सब वहां से भग करके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, जब आप लोग अपराध करते हो तब तो मेरे से सलाह लेते नहीं, और जब अपराध कर लेते हो उसके बाद आफत आती है तब मेरे पास आते हो। ऐसी आफत को मैं दूर नहीं कर सकता। तुम सही सही मार्ग पर चलो, फिर आफत आए उसको मैं दूर कर दूंगा, लेकिन तुम स्वयं गलती पर होते हो, मैं कैसे उसको दूर करूं? ये सामर्थ्य केवल भगवान में है। चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास आए। अब भगवान के पास कहां जाए? विष्णु लोक में तो प्रवेश कर नहीं सकते भगवान के यहां, क्योंकि देवता तो कर्म के अनुसार बंधे हुए हैं ना। जिसके कर्म सदा नष्ट हो जाते हैं वो ही भगवान के वैकुंठ लोक में जा सकता है। देवताओं के तो कर्म नष्ट हुए नहीं, क्योंकि ये तो राग द्वेष छल और ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा जो जीव में अवगुण होते हैं वो सारे अवगुण देवताओं में है। तो देवता जो है वैष्णव पद को अर्थात वैकुंठ को प्राप्त तो हो सकते नहीं। वैकुंठ के बाहर एक चौकी स्थल है, विष्णु पद है, जहां ध्रुव जी परिक्रमा किया करते हैं, जहां ध्रुव जी विराजमान रहते हैं वहां जाकर खड़े हुए। फिर भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान की स्तुति गाई हुई, अभी प्रकट नहीं, भगवान की बड़ी स्तुति गाई कि प्रभु ये संसार तो आप ही का रूप है, लोग जानते नहीं है। सूर्य आपका नेत्र है, चंद्रमा आपका मन है, और ये आकाश आपकी नाभि है, पाताल आपका चरण है, ये साय साय करती वायु चलती है आपका निश्वास है, पृथ्वी आपका चरण है, इस कारण से ये सारा संसार आप ही का रूप है। अब महाराज एक आपको याद कर लेते हैं तो सारे संसार की सेवा हो जाती है। देखो सूर्य भगवान को जो सुबह पहले ही तांबे के जल में तांबे के पात्र में जल लेकर यूं ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः बारह बार यूं डालता है, जल डालता है, तो वहीं परिक्रमा करता है तो पूरे सौर मंडल की परिक्रमा होती है और सब प्राणियों को जल देने का पुण्य मिलता है। गंगा जी में भी स्नान करो तो डुबकी लगाई और उसके बाद ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः बारह बार जल डालो, या तो यूं डालो यूं सीधे, या फिर यूं डालो तो पितरों को मिलता है, ये पितृ स्थान है, अंगूठे के पास जल लिया यूं डाला ये पितरों को मिलता है, और यूं देते हैं ये सूर्य भगवान को मिलता है। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः बारह बार के बारह स्वरूप होते हैं आदित्य के, ये आपका रूप है हमारा। तो ऐसे ही एक आपकी आराधना करने पर सर्वेशा सबकी आराधना हो जाती, सारी सृष्टि की पूजा हो जाती है। हम महाराज यहां क्यों आए आपको सब पता है। इतने में ही भगवान वहां प्रकट हो गए। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन मामूली बात है क्या सज्जनों? देवताओं के सामने भगवान प्रकट हुए, इतना उनका प्रकाश। गीता जी आप पढ़ते ही 11वें अध्याय में सहस्रादित्य संकाश है, हजारों हजारों सूर्य के समान दिव्य सूर्य सहस्रस्य, अने आकाश में हजार सूर्य आ जाए उनका जो प्रकाश होता है, ऐसे भगवान के स्वरूप का प्रकाश है। अर्जुन भी देखने लगे, भगवान ने कहा ऐसे नहीं देखेगा भैया, मेरे दिव्य नेत्रों से देख।
अर्जुन जो भगवान के हरदम साथ में रहता था, लेकिन जब भगवान के वास्तविक रूप को देखने के लिए आंख फाड़ने लगा तो कहा नहीं देख सका, आंख फूट जाएगी तुम्हारी, भगवान के दर्शन दो, भगवान के दर्शन हो जाए, दर्शन होना बड़ी बात नहीं है, भगवान में प्रेम हो जाए बड़ी बात है। सारे देवताओं की आंख बंद हो गई सज्जनों, उनका शरीर तो तेजोमय होता है देवताओं का, उनका भी तेज फीका पड़ गया। एक ब्रह्मा जी ने दर्शन किया और एक शिव जी ने दर्शन किया, बाकी किसी ने दर्शन नहीं किया, सबकी आंखें बंद। सुदर्शन चक्र है, गदा है, पद्म है, शंख है, ये सब मूर्तिमान होकर के वहां खड़े हो गए, मनुष्य जैसी मूर्तिमान। और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु वाह क्या सुंदर आपका स्वरूप है, जैसे घड़ा मिट्टी को छोड़कर नहीं होता, इसी प्रकार से ये संसार आपको छोड़कर के नहीं है, आप अलग और संसार अलग ऐसे नहीं है, मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है ऐसा संभव है क्या, सोना अलग है और कंठा अलग है नहीं है, कंठा है, कंठा क्या है, सोना ही है, सोने के एक रूप को हम कंठा बोल दिए, एक रूप को चूड़ी बोल दी, एक रूप को अंगूठी बोल दी, एक को पायजेब बोल दिया, एक को करधनी बोल दी, है सोना ही। क्या क्या आभूषण होते हैं यहाँ, लंबे लंबे चौड़े चौड़े माताएं पहनती हैं, तो ये चौड़े चौड़े आभूषण यहाँ गले के नीचे, यहाँ एकदम सोने के आभूषण, तो वो सोने के जो आभूषण है वो सोना ही है, सोने का आभूषण, ये तो बोलचाल की भाषा है, वास्तव में सोना ही है सोना। ऐसे संसार आपका रूप है प्रभु, बड़ी आफत में फंस गए हम। भगवान ने कहा देखो आफत में फंस गए वो कोई खास बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए ये बड़ा अच्छा रहा, आफत तो आती मेरे पास आने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए आफत भेजता हूं, और आदमी उस आफत से घृणा, अरे आफत आ गई, अरे दुख हो गया, अरे संकट हो गया, संकट नहीं तो भगवान का बुलावा है, ये भगवान का प्यार है। छोटे बच्चे की कोई गिलगिली करता है तो बच्चा रोता है, अरे बच्चा तो रोता है समझता नहीं, लेकिन वो कितने प्यार से उसकी गिलगिली करता है बच्चे को, ऐसे भगवान तो गिलगिलियां करते हैं। हम कहते हैं देखो हमारे साथ भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने हमारे घाटा लगा दिया, भगवान ने हमारा परिवार से बड़ा प्यारा पुत्र छीन लिया, बड़े श्रेष्ठ हमारे पतिदेव थे वो छीन लिए, बड़ा दुख हो गया, ये भगवान की गिलगिलियां हैं, इन गिलगिलियों से घबराना नहीं चाहिए, बच्चे हैं अपने लोग इसलिए घबरा जाते हैं। तो भगवान कहते हैं बड़ा अच्छा किया तुम हमारे पास आ गए, अब तुम ऐसा करो कि बड़ी सावधानी रखना, तुम जाकर संधि करो, तुम असुरों से जाकर संधि करो और समुद्र का मंथन करो, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ और शेष नाग की डोरी बनाओ, वासुकी नाग की डोरी बनाओ और समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। याद रखना तुम अमृत पर ही दृष्टि रखना हो, उसमें बहुत सी चीजें निकलेंगी, कहीं पर भी लोभ मत करना, कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए, एक देखो अपने को ये सीखना चाहिए, ये संसार रूपी समुद्र है, इसमें अनेक चीजें दिखाई देती हैं, नेत्रों को अलग, कान को अलग, जीभ को अलग, नाक को अलग, त्वचा को अलग, पर हम ये तो सब समुद्र है, इसमें से तरह तरह की चीजें निकलेंगी, पर हमको एक अमर तत्व पर दृष्टिकोण रखना है, इसके लिए अमृत मंथन की कथा है, यानी अमृत देवताओं ने उन्होंने किया, हमारे क्या मतलब, हमारा यही मतलब है कि संसार रूपी सागर का मंथन करो और उस मंथन से हमको अमर तत्व की प्राप्ति करना, यही अमरता है, यही अमृत है, और बाकी सब जो है इनके अंदर कहीं लोभ मत करो, किसी की भी कामना मत करो, कहीं मत फंसो, का अच्छी बात है महाराज। उन्होंने मंदराचल पर्वत को जैसे तैसे उठाने का प्रयास किया, मंदराचल पर्वत उनसे हिला ही नहीं,
फिर भगवान आए, मंदराचल पर्वत को लेकर रवाना हो गए और क्षीर सागर पर आ गए। उसके बाद वासुकी नाग के पास गए देवता असुर सब। वासुकी नाग ने कहा कि मैं डोरी बनूंगा, रगड़ लगेगी पर्वत के ऊपर, रगड़ लगेगी, लेकिन मुझे मिलेगा क्या कि थोड़ा अमृत का गुटका आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, अमृत के लोभ में पूर्ण जहर से भरा हुआ वासुकी नाग वो तैयार हो गया। अब भगवान भी बड़े विचित्र लीलाधारी अजित भगवान वहां खड़े हैं। भगवान को तो देवता पहचानते, असुर तो पहचानते नहीं। असुर इतना ही जानते कि ये भी एक देवता ही है। देखो एक बात आपको रहस्य की बता दें, जब केवल देवता होता है ना, उस समय तो सूर्य अग्नि वरुण ये सब देवता है। एक शब्द हमारे आता है दैवत, दैवत शब्द आता है, वहां पर और देवताओं का ग्रहण नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन ही ग्रहण होते हैं। इन तीनों का जो समुदाय होता है उसको दैवत बोलते हैं। देवताओं का, तीन देवताओं का जो समुदाय, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जो ब्रह्मा और महेश के साथ संयुक्त तो होते हैं, ये विष्णु अपने है वही विष्णु, वही विष्णु है। वो सत्वगुण के साथ मिलते हैं तब वो ये तीनों दैवत बन जाते हैं। वही भगवान रजोगुण के साथ मिलते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, तमोगुण के साथ बनते हैं तो वे शिव बन जाते हैं। और इन तीनों का समुदाय होता है वो दैवत कहलाता है। देवता, दैवत। तो यहां जो अजित भगवान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साहचर्य से असुर लोग जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सब जानते हैं, शिव जी भी जानते हैं। अस्तु, समुद्र मंथन में उस नाग को चारों तरफ लपेटा गया। लपेटने पर अब विचार किया कि इसकी पूंछ कौन पकड़े और मुंह कौन पकड़े। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देखो देवताओं, ये असुर सदा उल्टा काम करते हैं। अपन जो काम करेंगे उससे उल्टा करेंगे। तो तुम जाकर के पहले पूंछ पकड़ना, नहीं तुम जाकर पहले मुंह पकड़ना, डरना नहीं। और ये लोग फिर कहेंगे कि नहीं हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे तो तुम पूंछ पकड़ लेना, आधा काम तो अपना यूं ही हो जाएगा। अब वो सांप का मुंह पकड़ेंगे तो भगवान का तो आधा काम हो ही गया ना, ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं रहेगी। देवताओं ने जाकर उसका कहा, हम तो सांप मुंह पकड़ेंगे नाग का, असुर का नहीं। नाग की पूंछ अपवित्र होती है, हम तुमसे कोई छोटे हैं क्या? हम तो तुम्हारे बराबर के हैं, एक ही बाप के बेटा है, केवल माँ अलग होने से कोई अलग नहीं हो जाते। तुम अदिति के बेटा हो, हम दिति के बेटा है, लेकिन अपने दोनों का बाप तो एक कश्यप ही है ना। नहीं, हम कभी पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे सांप का, तुम पकड़ो पूंछ। भगवान ने कहा, देव खीर में हाथ, गर्म खीर में हाथ तुम देव भाई, हम छोटे बाप के ही सही। जाके पूंछ पकड़ लिया और मंदराचल पर्वत को अब उसमें डाल दिया समुद्र में, तो वो डूबने लग गया। देवताओं ने ये प्रश्न नहीं किया कि महाराज हमने मिल करके इसको उखाड़ा था, उस समय में कितनी परेशानी हुई, उसको आधारभूत रख लेना कितनी एक असंभव बात होगी। वो तो जाकर क्षीर सागर में डूबने लगा। भगवान ने कहा ये सब काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान नीचे जाकर कूर्म रूप से, कछुए रूप से, इसीलिए कछुए की पीठ कठोर होती है, तो कछुए बन करके कठोर पीठ से उसको ऊंचा किया पर्वत को। अब पर्वत को ऊंचा किया तो वो एकदम ऊंचा हो गया। अरे बिलोने में झेरनी बिल्कुल बीच में रहनी चाहिए, न तो चाटे के बिल्कुल स्पर्श होना चाहिए और न दही के ऊपर घूमना चाहिए, बीच में रहना चाहिए ना, तब जाकर मक्खन निकलेगा।
तो अब वो ऊपर हो गया मंदराचल पर्वत, भगवान ने धक्का लगाया। तो इधर अजित भगवान ने अपने हजार भुजा से उसको वापस नीचा किया, बीच में स्थापित किया। तो एक भगवान समुद्र मंथन में कितने रूप बनाते हैं। मंथन होने लगा, इधर वासुकी का जहर निकलने लगा, इधर समुद्र के जहरे जानवर निकलने लगे, हलाल जहर हो गया वहां। अब पौलोम काले अबली वला दयो दवाग्नि दग्ना सरला इवा, सब ये वहां पर जलने लगे। असुर लोग, असुर लोग जलने लगे तो फिर कहने लगे, छोड़ो भाई, हम तो हमको तो अमृत नहीं चाहिए, अमृत तो जिएंगे तो पिएंगे ना, हम पहले ही मरे जा रहे, हमको तो अमृत नहीं चाहिए। भगवान ने देखा अब क्या करें, तो काम बनेगा नहीं। भगवान ने कहा हटो तुम, अब हम करते हैं। सुखदेव जी महाराज को ये झांकी बताने में बड़ा अच्छा लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय भगवान के घुंघरालू बाल हवा में हिल रहे थे, दोनों भुजा से उस नाग की पूंछ और मुंह को पकड़े हुए उस मंदराचल पर्वत को झाड़ झाड़ वहां कर रहे थे। ऐसा लगा कि जैसे मथुरा मंदराचल पर्वत के सामने एक और पर्वत आ गया है। माहुल वनम, अब यूं खूब यूं बिलोना करने लगे भगवान। भगवान बिलोना करते हैं अमृत प्राप्ति के लिए, लेकिन निकलता क्या है, हलाल जहर। भगवान या संसार को क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो, यदि उतने में परिणाम उल्टा निकलता है तो उसकी परवाह मत करो, कर्तव्य का पालन करो। भगवान का जैसे मैंने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया और हलाल जहर निकला, तो मैंने कोई गलत थोड़े ही किया है, करने में मेरी कोई गलती नहीं, करने में सावधान और होने में प्रसन्नता। कितना सुंदर एक छोटे से वाक्य में गागर में सागर भर दिया हो, करने में सावधान होने में प्रसन्नता, हलाल जहर निकला। भगवान ने कहा लो भाई अब जहर निकला है, अमृत के बदले क्या करें। तो कहा कि महाराज अब क्या करें, तो भाई जहर पीने का सामर्थ्य केवल एक भगवान शंभु में ही है। तो सब वो जहर लेकर के गए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर से बड़ा अनुनय विनय किया कि आगे महाराज जब जब सृष्टि पर संकट आया है आपने उस संकट को दूर किया है, धर्म की रक्षा की है, ब्रह्मा आदि सब आपके शरीर के स्पर्श से लगी हुई राख को अपने सिर पर धारण करते हैं, और मूर्ख लोग कहते हैं कि देखो शंकर जैसा कौन अपवित्र होगा कि जो मसाणों के मुर्दे की राख को शरीर पर चिपटाए रखता है। यदि वो राख अपवित्र होती तो ब्रह्मा आदि अपने सिर पर क्यों रखते हैं, जानते नहीं है महाराज। अब हमारे पर ये संकट आ गया, कृपा करो। भगवान शंकर ने अपने प्रिया पार्वती से पूछा कि देखो पार्वती जी, जीवन में उसी का एक जीवन सफल होता है जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के कष्ट को दूर करने में अपनी आहुति दे देता है, वो जीवन का बहुत बड़ा यज्ञ होता है। आज ये प्रजा बहुत दुखी हो रही है, ये हलाल जहर यदि यहाँ रह गया पृथ्वी पर तो सब प्राणी मर जाएंगे। यदि तुम्हारी आज्ञा हो, तुम्हारा यदि कहना हो तो मैं इस विष को पी जाऊं ताकि सब दुनिया सुखी हो जाए। पार्वती ने कहा प्रभु इसी से ही तो आपका संसार में नीलकंठ नाम होगा। भगवान शंकर ने कहा देखो तुमसे इसलिए पूछा है कहीं तुम घबरा न जाओ, मैं पीने लगूं तो उस समय तुम कहीं इस पात्र को मेरे मुंह से अलग करो, वो कहीं नीचे ढुल जाएगा तो कितने प्राणी मारे जाएंगे, इसलिए तुमसे पहले से ही पूछ रहा हूं। पार्वती जी ने अनुमति दे दी।
और उसके बाद भगवान शंकर ही पीने लगे, पीते 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 एक बूंद उनकी गिर गई थी जमीन पर, वही बूंद आज वृक्षों के अंदर जो जहर है, जानवरों में जो जहर है, औषधियों में जो जहर है, जो कुछ जहर तत्व है वो हलाल जहर का एक विष मात्र का परिणाम है। एक बूंद गिर गई थी, कहते हैं उसके बाद भगवान शंकर ने उस जहर को यही गले में ही धारण कर लिया, न नीचे जाने दिया और न उन्होंने बाहर आने दिया, बीच में रखा। इसका क्या मतलब है? यदि वो जहर नीचे सिरक जाता तो क्या होता? भगवान शंकर कोई जहर से मरते थोड़े ही, और यदि वे ऊपर नहीं लाए तो ठीक है, या गले में ही रख करके क्या वो बता रहे हैं? वो कहते हैं कि देखो दुनिया में जितना भी जहर है ना, पदार्थ रूप जहर नहीं, लोगों के स्वभाव का जहर होता है, वो स्वभाव का जहर आप गले के नीचे मत उतरने दो और गले से बाहर मुख से बाहर भी मत आने दो। परिवार में रहते हैं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसकी वाणी अच्छी नहीं, वो कड़वा बोलती है, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है, ऐसे परिवारों में थोड़े ये बात होती है, ये जहर है, ये जो जहर है कहते हैं कि